children, welcome to YouTube channel. Today we are going to start Maths Chapter 4. Chapter 4, Fraction. Fractions. In the पिछले वीडियो में हमने one half और one fourth का यानी quarter find out किया था. आज हम three fourth और थ्री क्वार्टर फाइंड आउट करेंगे कि कैसे किया जाता है थ्री फोर्थ. थ्री फोर्थ्स और थ्री क्वार्टर. थ्री क्वार्टर फाइंड आउट करेंगे. तो हमने वन फोर्थ यानी कोई भी भाग का एक पार्ट को हम वन फोर्थ कहते हैं, टू पार्ट को वन हाफ, तो थ्री पार्ट क्या बोलेंगे, थ्री क्वार्टर. जैसे कि आप देखिए हम थ्री पार्ट थ्री क्वार्टर कैसे करेंगे. अब आप यहाँ आप देख सकते हो टोटल वन के कितने पार्ट हैं, वन टू थ्री फोर. ये समझ लीजिए कलर किया हुआ है, ये आपका ये पार्ट आपका कलर किया हुआ है. तो टोटल कितना पार्ट है, फोर. फोर का कितना पार्ट कलर हुआ, वन अपॉन फोर. टोटल कितने पार्ट है, फोर है, वन टू थ्री फोर. और फोर फोर पार्ट के कितने पार्ट कलर हुए, वन पार्ट. तो हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन फोर यानी वन क्वार्टर. उसी तरह अब यहाँ पे हम टू पार्ट कलर करेंगे, कितने पार्ट, टू पार्ट. ये पार्ट और ये पार्ट, टोटल कितने पार्ट है, फोर. तो उसके हमने कितने पार्ट कलर किए, टू यानी हाफ पार्ट. यानी वन अपॉन फोर प्लस वन अपॉन फोर कितने हो गए, टू अपॉन फोर इज इक्वल टू वन. टू वन जे टू 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 जे यानी वन अपॉन टू यानी टोटल का हाफ पार्ट कलर किया गया है. अब हमने यहाँ वन पार्ट कलर किया या टू पार्ट, अब यहाँ हम थ्री पार्ट कलर करेंगे, कितने पार्ट, थ्री. ये बस एग्जाम्पल के लिए है. तो हमने कितने पार्ट कलर किए, वन टू थ्री. तो वन अपॉन फोर प्लस वन अपॉन फोर प्लस वन अपॉन फोर. वन अपॉन फोर वन अपॉन फोर वन फोर कितना हो गया, थ्री अपॉन फोर. इस तरह से थ्री फोर्थ हमने फाइंड आउट किया, या इसको आप थ्री क्वार्टर भी बोल सकते हो. वन अपॉन यानी वन अपॉन जो फोर्थ है उसको थ्री बार हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, वन अपॉन फोर्थ में थ्री फोर्थ. थ्री फोर्थ क्या, वन अपॉन फोर थ्री टाइम्स. थ्री टाइम्स में थ्री फोर्थ. थ्री फोर्थ थ्री फोर्थ और थ्री अपॉन फोर. इस तरह से हम थ्री अपॉन फोर्थ को कर सकते हैं. क्या क्या हमने पहले, फिर से मैं आपको समझाऊँ थ्री फोर्थ या थ्री क्वार्टर कैसे करना है. पहले हमने वन पार्ट किया, क्या हो गया, वन अपॉन फोर. फिर एक ही चीज के टू पार्ट को कलर किया तो कितने हो गए, वन अपॉन टू यानी हाफ. अब हमने थ्री पार्ट प्लस किया कलर किया, वन टू थ्री, तो वन अपॉन
वन अपॉन फोर, वन अपॉन फोर को थ्री टाइम प्लस कर कितना हो गया थ्री अपॉन फोर। इसी तरह से हम अपने एक्सरसाइज करेंगे। इसको आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है। ये लेट स्टार्ट एक्सरसाइज। सो जैसे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल करके आपको हम दिखाएंगे। टू फाइव थ्री अपॉन फोर ऑफ ट्वेल्व कॉफी। यानी आपको ट्वेल्व टॉफी का थ्री अपॉन फोर का करना है, तो क्या करेंगे आप? थ्री अपॉन फोर मल्टीप्लाई ट्वेल्व। इसको आप क्या कर सकते हैं? थ्री मल्टीप्लाई ट्वेल्व अपॉन फोर, तो ट्वेल्व की जगह थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स डिवाइडेड फोर। तो फोर के टेबल में थर्टी सिक्स कितनी बार में आता है? यस नाइन। तो थ्री अपॉन फोर ट्वेल्व का थर्ड फोर्थ कितना आया? थ्री फोर नाइन। इसी तरह हम अपने एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर वन। कलर थ्री थ्री फोर्थ ऑफ इच सेप। यानी कि यहां पे कुछ सेप दिए गए हैं, उसमें आपको थ्री फोर्थ कलर करना है। जैसे कि पहला सेप है ए नंबर, सर्कल उसके चार पार्ट किए गए, उसमें आपको थ्री जहां जहां आपको दिया गया टिक किया गया, यहां आपको कलर करना है आपकी कोई भी कलर से। इसमें भी आपको थ्री पार्ट कलर करना है, कहीं पर थ्री पार्ट कलर कर सकते हैं। नाउ सी नंबर, इसमें भी थ्री पार्ट आप कलर कर सकते हैं। ये आपको घर पे होमवर्क में करना है।
नाउ क्वेश्चन नंबर टू, अब हम क्वेश्चन नंबर टू करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू, सर्कल सर्कल थ्री फोर्थ ऑफ ईच कलेक्शन, ईच कलेक्शन एंड राइट द आंसर, राइट द आंसर। इसमें थ्री सिक्स एट बर्ड्स, ए नंबर में एट बर्ड्स की पिक दिए हुए, पिक्चर दिए हुए हैं, उसको आपको थ्री फोर्थ फाइंड करना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट वर्ड दिए गए हैं, उसका आपको थ्री फोर्थ भाग फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, पहले हमें वर्ड की संख्या काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट को हमको कितना करना है, थ्री फोर, थ्री अपॉन फोर मल्टीप्लाई एट। तो हम क्या किए, हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं या पहले ऑफ लिखेंगे, ऑफ एट, फिर थ्री अपॉन फोर, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई एट। अब हम फोर के टेबल में एट कितनी बार में आता है, टू बार, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, और इसको हम थ्री टू जा सिक्स, थ्री टू जा सिक्स कितना है, थ्री टू जा सिक्स, तो हम यहाँ सिक्स लिखेंगे। तो आपको सर्कल कितने में करना है, आपको सर्कल थ्री फोर्थ में करें, यानी सिक्स में, सिक्स वर्ड में सर्कल करना है। इस तरह से सिक्स वर्ड में आपको सर्कल करना है। नाउ कंप्लीट,
बनाओ। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अब उसे तो रखते हैं टाइम हम नीचे की बनाएंगे। काइट ड्रॉ किया। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। अब इसका हमको थ्री फोर्थ फाउंड करना है, तो थ्री अपॉन फोर्थ ऑफ ट्वेंटी यानी ट्वेंटी का थ्री अपॉन फोर्थ कितना होगा, थ्री अपॉन फोर्थ मल्टीप्लाई ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेंटी। अब हमको ट्वेंटी फोर के टेबल में ट्वेंटी कितनी बार बनता है, यस फोर वन जा फोर फोर फाइव या ट्वेंटी, तो कितना अभी फाइव को हमको थ्री से मल्टीप्लाई करा था, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन फिफ्टीन। तो अब हमको 15 काइट पर सर्कल करना है, यानी 20 का 3 फोर्थ कितना हुआ 15। 1 2 3 4 5 एंड 5 10 एंड यहां से आपको ऐसे करके सर्कल करना है, ठीक है। आपको 15 का और 15 काइट पर सर्कल करना है, तो इस तरह से आप 15 काइट काउंट करके आप 15 काइट पर सर्कल कर सकते हैं। नाउ कंप्लीट इट।
सी नंबर एक बॉक्स में 12 एप्पल है, कितने एप्पल है 12, वन टू थ्री फोर फाइव, इस तरह से एक बॉक्स में कितने एप्पल है टोटल 12, इसको हमें 3/4 फाइंड आउट करना है। ये टोटल कितने एप्पल है 12 एप्पल, इसका हमें कितना फाइंड आउट करना है 3/4, यानी 3/4 ऑफ 12 इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई 12। अब 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, ये 4 1 जा 4, 4 3 जा, तो 3 3 जा 9, तो कितने एप्पल हुए 3 4 के 12 एप्पल में की, तो 9 एप्पल, तो आपको 9 एप्पल पर सर्कल करने हैं, तो आप यहां से शुरू करेंगे। now
अब यहाँ आप पीछे पेज नंबर 126 में देख सकते हैं, एक पिक्चर है, स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ फोर। जैसे कि ये पिक्चर आपको दिया गया है, एक्टिविटी है, मैथ्स लैब एक्टिविटी पेज नंबर 126, पेज नंबर 126, नंबर वन, ये पूरा आपका पिक्चर दिया गया है। टू नंबर में वन भाग क्लिक किया गया है, छोटा छोटा ड्रॉ करो। नंबर वन, टू, नंबर थ्री में हाफ एंड नंबर फोर में इस तरह से पिक्चर दिया हुआ है। तो एक पहले नंबर में जो है ईटेल और लेफ्ट लेफ्ट, दूसरे नंबर में है ईटेल एंड यहाँ लेफ्ट, तीसरे नंबर में इटे एंड लेफ्ट एंड चौथे नंबर में इटे एंड लेफ्ट। तो पहले में चाहे इटे किसी ने नहीं खाया है, तो टोटल कितना भाग बच गया, फोर भाग बच गया। दूसरे में एक भाग खाया गया है, तो कितना भाग बचा, थ्री भाग। दूसरे में टू भाग खाया गया है, दूसरे में एक भाग बच करके खाया गया, तो कितने बचेगा, 3/4 यानी 3/4। दूसरे में 2 भाग खाया गया है, यानी कितना बचेगा, 2/4। एंड तीसरे में 3 भाग खाया गया है, 3 भाग खाया गया है, तो कितना बचा, 1/4। Now, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, सो नोट डाउन योर होमवर्क।
ग्रेट फॉर चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट इन योर टर्म बुक चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट इन योर टर्म बुक नाउ थैंक यू.